हेलो गाइस, दिस इज द 16th लेक्चर ऑफ बिट मैनिपुलेशन सीरीज। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज प्रिंट ऑल द सबसेट्स ऑफ एन एरे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर इंटरव्यू एज वेल एज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम एज अ सब प्रॉब्लम यूज होती है। सो यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इट। सो लेट्स मूव, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम आपको पता ही है, आपको सबसेट्स प्रिंट करने हैं एरे के, और सबसेट्स एंड सबसीक्वेंस बोथ आर सेम, ओके, बट सब एरे इज डिफरेंट। सब एरे इज ऑल्सो अ सबसीक्वेंस। सो सब एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सबसीक्वेंस इन विच ऑल एलिमेंट आर कंसेक्यूटिव, ओके। सो आपको एन गिवन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, देन आपको एरे के एलिमेंट्स गिवन होंगे और आपको उसके सबसेट्स को प्रिंट करना है लाइन बाय लाइन, ओके। सो दीज आर द सबसेट्स। आप इनको किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम ऑर्डर में ही प्रिंट करना है जिस ऑर्डर में आपको आउटपुट गिवन है, और इंटरव्यू में भी ये मेंशन होता है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। सो यहां पर मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, 1, 2 एंड 3, ओके। सो सबसेट निकालने के लिए आप क्या करते हो कि किसी एलिमेंट को कंसीडर करते हो या तो नहीं करते हो। सपोज आपका एक सबसेट है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में आपने क्या किया, 1 और 2 को तो कंसीडर किया बट 3 को कंसीडर नहीं किया। सो जिस नंबर को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूं, और जिसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं उसके नीचे 0, ओके। सो फर्स्ट केस में मैं क्या करता हूं कि मैंने 1 को भी कंसीडर नहीं किया, 2 को भी कंसीडर नहीं किया बट 3 को कंसीडर किया, तो मुझे अपना एक सबसेट मिल गया। सेकंड सबसेट में मैं 2 को कंसीडर करता हूं, 3 को नहीं करता हूं और 1 को भी नहीं करता हूं, ओके। उसके बाद मैंने 2 को भी कंसीडर किया एंड 3 को भी कंसीडर किया बट 1 को नहीं किया। अगेन मैंने 1 को कंसीडर किया और बाकी सबको कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट में मैंने इसको भी कंसीडर किया, इसको कंसीडर नहीं किया एंड इसको कंसीडर किया। अगेन मैं 1 को कंसीडर करता हूं, 2 को भी कंसीडर करता हूं बट 3 को कंसीडर नहीं करता हूं, और एक ऐसा सबसेट जिसमें मैं सारे एलिमेंट को कंसीडर करूंगा, 1 1 1, ओके। सो इससे आपका सबसेट आएगा 3, इससे आएगा आपका 2, इससे आएगा आपका 2 एंड 3 एंड इससे आपका आएगा 1, और यहां पर 1 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 1 2 3, ओके। सो यहां पर मैंने बस ये लिखा है कि जिसके नीचे 1 है उस एलिमेंट को मैंने कंसीडर किया हुआ है अपने सबसेट में, और जिसके नीचे 0 है उसको मैंने नहीं लिखा है। तो कुछ इस तरह से ही हमें करना है, ओके। सो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे आपके वो होंगे 2 की पावर n-1, ओके। सो अगर आप नोटिस करो तो ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है 1, और ये क्या लिखा हुआ है 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 एंड ये 7, ओके। सो यहां पर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपका बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। सो इसकी हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सपोज मैं इसका इंडेक्स दे देता हूं 0 1 2। सो अगर आप 1 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करो तो इसका जो 0 बिट है वो सेट है। अगर वो सेट है तो आप 0 इंडेक्स के एलिमेंट को कंसीडर करोगे, अदरवाइज। सो 2 के लिए 0 पोजीशन की बिट सेट नहीं थी तो मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, बट फर्स्ट पोजीशन की बिट सेट है इसलिए मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को कंसीडर कर लिया, ओके। सो आप इन वैल्यूज का यूज करके आप अपने सबसेट को प्रिंट कर सकते हो। सो अब चेक करते हैं किसी एलिमेंट का ith बिट सेट है या नहीं। उसके लिए सिंपल आपको इफ कंडीशन लगानी है कि एलिमेंट अगर k है तो उसका अगर ith बिट सेट है या नहीं। उसके लिए सिंपल आप क्या करते हो, ये 1 है, 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय i, ओके। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो आपका वो बिट सेट होगा, अदरवाइज नहीं सेट होगा। इसको ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं ith बिट सेट है कि नहीं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो सर्च कर सकते हो। सो यहां पर तो मैंने पर्टिकुलर आई के लिए चेक किया है, बट आई को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, 0 1 2, मींस अगर एलिमेंट्स 3 तक हैं तो आपको 2 तक लूप चलाना है। सिंपल आपको एरे का लूप चलाना है,
जिसकी वैल्यू आपकी 0 से n तक होगी। तो i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n, ओके, एंड i प्लस प्लस। तो इससे आपका किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे बिट चेक हो जाएंगे कि वो सेट है या नहीं। अगर सेट होगा तो आप उसको प्रिंट करोगे, ओके। मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया ar ऑफ i और यहां पर मैंने स्पेस दे दिया। सो इससे आपका केवल एक सबसेट प्रिंट होगा वन के लिए, ओके, इसके लिए। बट आपको सारे एलिमेंट्स के लिए सबसेट प्रिंट करना है, इसलिए आपको k को भी चेंज करना होगा। k को चेंज करने के लिए सिंपल आपको k के लिए लूप लगाना है। k इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं क्योंकि 0 पे कोई भी बिट सेट नहीं होता है। सो आप 0 को स्किप कर सकते हो और ये लूप तब तक चलेगा जब तक k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टोटल है, ओके, कि टोटल नंबर आपके कितने हैं एंड k प्लस प्लस। सो दिस इज द 4 लाइन ऑफ कोड जिससे आप सारे सबसेट को प्रिंट कर सकते हो। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं n इनपुट ले लेता हूं कि कितने नंबर्स हैं मेरे एरे में, देन n साइज की एरे बना ली, एंड एलिमेंट इनपुट ले लेते हैं एरे में, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, सी इन ar ऑफ i। अब आपको दो लूप लगाने हैं। पहला लूप जो k की वैल्यू को इटरेट करेगा, मैंने 1 से स्टार्ट किया और k इक्वल टू टोटल तक मैं लूप चलाऊंगा एंड k प्लस प्लस, ओके। यहां पर मैंने टोटल डिफाइन नहीं किया है तो टोटल यहां पर निकाल लेते हैं, एंड टोटल इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय n, ओके। वहां पर टोटल में मैंने 2 की पावर n माइनस 1 स्टोर किया था, बट यहां पर मैं 2 की पावर n स्टोर कर रहा हूं केवल, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया हुआ है, ओके। एंड सेकेंड लूप फॉर जो आपकी i की वैल्यू इट्रेट करेगा, i को 0 से स्टार्ट करना है आपको और ये n तक ही चलेगा केवल, एंड सिंपल आपको चेक करना है कि k का ith बिट सेट है या नहीं। तो k एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय i, अगर सेट है तो आप सिंपल प्रिंट कर दो ar ऑफ i, स्पेस दे देता हूं, और हर सबसेट के बाद एक न्यू लाइन। सो लेट्स रन। n की वैल्यू 3 दे देते हैं एंड इनपुट 1, 2 एंड 3। सो इससे आपके सारे सबसेट प्रिंट हो गए, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं n की वैल्यू 4 के लिए, 1, 2, 3, 4। सो इस एरे के लिए भी इसने सारे सबसेट को प्रिंट कर दिया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।